हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। बिग बॉस सीजन 14 जो है टीआरपी के मामले में बिग बॉस सीजन 13 से काफी 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 ज्यादा पीछे है। और अब शहनाज कौर गिल का एक बयान है जो कि बिग बॉस सीजन 14 पर उन्होंने दिया, जो कि बता रहा है कि आखिरकार क्यों फ्लॉप साबित हो रहा है बिग बॉस सीजन 14। खैर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। शहनाज कौर गिल से बिग बॉस सीजन 14 के बारे में उनकी राय मांगी गई। उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इस सीजन में बिग बॉस सीजन 14 को कौन जीत पाएगा। तो भाई इस पर शहनाज कौर गिल ये कहती हुई नजर आती हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार की ट्रॉफी स्टेज पर ही ना रह जाए। जी हाँ, इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि उनको लग ही नहीं रहा कि कोई कंटेस्टेंट जो है ट्रॉफी जीत पाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मैं तो किसी भी कंटेस्टेंट से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई ट्रॉफी जीतेगा, मैं तो किसी का नाम तक नहीं ले सकती क्योंकि मैं उनसे बिल्कुल भी कनेक्ट फील नहीं कर पा रही हूँ। भाई यही बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है जो बिग बॉस सीजन 14 की टीआरपीज लगातार डाउन चल रही हैं। अपने पिछले सीजन के मुकाबले बिग बॉस सीजन 14 टीआरपी के मामले काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और शहनाज का ये बयान बता रहा है कि भाई कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और ऐसा ही कुछ फैंस के साथ हो रहा है, बिग बॉस की ऑडियंस के साथ हो रहा है। जी हाँ, वो लोग भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे बिग बॉस सीजन 14 से। तो भाई बड़ी वजह बिग बॉस के ना चलने की ये भी कही जा सकती है कि फैंस कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आपकी क्या राय है इन सब पर, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।